क्या समस्या है आपकी, क्या आप कुछ मेरी बता रहे समस्या हो? यह है कि कृषि महाविद्यालय बरसार के नाम से गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ जमीन आवेदन किया था रजिस्ट्री, लेकिन मेरे को पता नहीं चला मेरी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो रही है नौ लाली की। उसमें इश्तिहार रजिस्ट्री में इश्तिहार शामिल होता है, उस इश्तिहार में शामिल में मेरे कोई दस्तखत नहीं खातेदारों की, और ये फर्जी रूप से जाँच अधिकारी ने लिख दिया कि फर्जी हो गया, और इसके लिए पटवारी ही जिम्मेदार है लिख दिया उन्होंने। और अंश अधिक रजिस्ट्री दाखिल खारिज चलाने की अधिकार जो है 10 लाख होता है, तो 10 लाख ने इसको भी कैसे स्वीकार किया ये मेरे समझ नहीं आ रहा। 3 बार मैं 4 बार DM को पे आ गया, उन्होंने मेरे को केवल कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस तरह से कार्रवाई करते करते मुख्यमंत्री तक SDM और कमिश्नर, मुख्य सचिव और प्रदेश अध्यक्ष BJP के सबको मैंने इसकी कॉपियाँ भेज रखी है, लेकिन इसका कोई संज्ञान ले रहे हैं। इसमें महा घोटाला हुआ है, इसको इन पर FIR लॉन्च होनी चाहिए पटवारी पे, जबकि DM का आदेश साफ लिखा हुआ है कि इस कृत्य कार्य के लिए पटवारी ही जिम्मेदार है। जब पटवारी जिम्मेदार है, 24 आवर्स आदेश निकलने के बाद उस पर FIR लॉन्च दर्ज क्यों नहीं हुई? अच्छा, कब का मामला है ये? 2016 का मामला। अच्छा, तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? नहीं हुआ। कौन किसको दोषी मान रहे हैं आप इसमें अभी तक? मैं इस दोषी में जो है राजस्व कर्मचारी जो खोली की तहसीलदार और रजिस्ट्रार कानूनगो और मुख्य अभियुक्त जो है पटवारी है, जिसने गलत अभिलेख प्रस्तुत किए अधिकारियों के सामने, अधिकारियों को भी गुमराह किया है, अधिकारियों से लेकर के प्रदेश के तालत आला अफसर कमिश्नर तक मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन इसमें फिर किसी ने भी इसमें कार्रवाई कर क्या मुझे उसका जवाब तो नहीं मिला अभी तक कि वास्तव में ये कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मामले में जब ये मामला मैंने उठाया था तो जिलाधिकारी महोदय चाहिए था कि अन्य किसी की भी रजिस्ट्री गलत तो नहीं हो रही है, इस मामले में अन्य को भी जाँच करनी चाहिए थी, लेकिन अन्य के नहीं करने के बजाय वो मेरे के मामले में भी तब तक पटवारी के खिलाफ अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई। वर्तमान पटवारी जो है काशकार को मुलजिम बना रहा है, जबकि वो गलत है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपने आदेश 10/1090/7 दिसंबर 2017 को ये लिखा हुआ है कि इस कृत्य के लिए राजस्व पटवारी ही जिम्मेदार है। इस आदेश का अवहेलना करते हुए तत्कालीन पटवारी सदस्य के द्वारा भी काशकार को अभियुक्त बनाना गैर जिम्मेदार है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए गलत सूचना देने की। तो मैं ये चाह रहा हूँ इस पे ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह के अधिकारी द्वारा पुनरावृत्ति न हो और काशकारों के साथ न्याय हो। 2016 से 18 तक मैं अभी भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी किसी उम्मीद नहीं लग रही है, लिहाजा इस प्रदेश में क्या इस तरह से चलता रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। यदि आला अधिकारी और मंत्री भी इसी तरह शासन चलाते रहेंगे तो जनता का कोई विश्वास नहीं थे। अच्छा, सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, आप कितना सहमत हैं? मैं एक प्रतिशत सहमत हूँ, क्योंकि मैंने जब मुख्यमंत्री तो 3-4 लेटर दे रखे हैं जिनके पास मेरे पास कॉपी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जो अगर उसमें कार्रवाई नहीं करते तो मेरे को कम से कम उस लेटर का प्रतिवेदन भेजना चाहिए था कि आपका लेटर हमें मिला, तो वो लेटर कहाँ जा रहे हैं? तो जीरो टॉलरेंस का कोई बात ही नहीं हो रही उसमें, एक सामान्य काशकार को इस तरह से जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, अब जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, तो जनता दरबार का कोई महत्व नहीं होता है। मैं स्वयं उनके दरबार में जा रहा हूँ, 5 बार चले गया अभी वो सुन रहे हैं। घिड़ियाल जी का जो है जो जिलाधिकारी है वहाँ, उनका जो है रुद्रप्रयाग में बहुत नाम चल रहा है। नाम तो चल रहा होगा साहब, लेकिन व्यवहार में नाम होता है, लेकिन कार्यकुशलता आप मेरे मामले में देखिए कि 2016 जब 23 दिसंबर 2016 का मामले का 16 ये 17 और 18, तो एक मामले को पेंडिंग रखना क्या जिलाधिकारी को उचित है? इतने बड़े अधिकारी को मैं इस मामले में अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं अपने मन से ये बता रहा हूँ कि मैं मंजिल तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बच्चों से जाऊँगा जिला प्रशासन के खिलाफ। अच्छा, आपके साथ जो जो लोग हैं, जो और लोग हैं जिनकी फर्जी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उनका नाम क्या क्या है और कैसे कर हुआ है? नाम तो मुझे अब उनके बारे में उजागर नहीं हुआ साहब, लेकिन मुझे इससे आभास हो रहा है कि अन्य लोगों के भी साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब उनको पता है इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं कि ये आदमी 3 साल से भटक रहा है, तो हमारी औकात नहीं है भटकने की। देहरादून तक मैं जा चुका हूँ इस मामले में, तो ये गरीब काशकार अपनी दिहाड़ी छोड़ के मजदूर छोड़ के कैसे चले जाएगा सर? इसलिए लोग जो है, लेकिन मामले में जब मैंने स्टार्ट किया था, इस स्टार्ट को संबंधित अधिकारी के द्वारा ही तत्काल अन्य उस रजिस्ट्री पे पूरी जांच की जानी थी, और आदेश उपरांत जब जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है कि पटवारी ने गलत किया है, तो इस पर 7 महीने से अभी तक इस पर FIR लॉन्च क्यों नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब ऐसे अधिकारियों की बात ये सुनने रहे हैं, हम जैसे काशकारों को शायद जिंदगी भर भटकना पड़े, हम क्या आशा कर सकते हैं? नौकरी सरकार दे नहीं सकती है, भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकती है, तो किस लिए सरकार? खाली ये है कि लोगों को दिखाने के लिए कि सरकार चल रही है इस प्रदेश में।